तो गेमर्स नॉट फैमिली, आज के इस वीडियो में टीम खतरू फाइट करेगी टीम ब्रेवाइट, यानी कि ब्रेवाइट अंकल हाउडी और द फिन से। भाई टीम खतरू पड़े पड़े बोर हो रही थी, मतलब दिन पे दिन कमजोर हो रही थी कि यार आज हम लोग क्या करें, किससे फाइट करें। कि तभी WWE 2K वालों ने रिवील द व्हाइट पैक लॉन्च कर दिया, जहां पर अंकल हाउडी ब्रेवाइट साथ में आए हैं। पर ये दोनों अकेले क्यों रहे, हमने द फिंड को भी ऐड कर दिया। तो भाई देखते हैं कि टीम ब्रेवाइट टीम खतरू से जीत पाती है या नहीं। मेरे तो सारे पैसे टीम खतरू पे लगे हुए हैं यार, गरीब हो जाऊंगा, लुटवा मत देना मुझे प्लीज। भाई एंट्रेंस ऑन करके रखा है वैसे, क्योंकि अंकल हाउडी और ब्रे वाइट का हमें एंट्रेंस देखना है कि कैसा डाला है। चलो भाई देखते हैं कि ब्रे वाइट और अंकल हाउडी का एंट्रेंस कैसा है, टीम खतरू का नहीं देखेंगे, टेंशन मत लो, इतना ज्यादा इंटरेस्ट हम लोग नहीं दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो शुरू हो, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो और चैनल को भी शेयर करो। तो चलो भाई लोग पहले कौन आएगा, फीन मत आना, फीन का इंटरेस्ट नहीं देखेंगे। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अंकल हाउडी और ब्रे वाइट का सेम इंटरेस्ट रहेगा। ब्रे वाइट आ रहा है। ओ भाई दरवाजा तोड़ के आएगा, एक्सट्रीम रूल्स। ओ दरवाजा भी दिख गया मुझे, फायरफ्लाई फन हाउस, ये फन हाउस का दरवाजा लग रहा है मेरे को, मैं बता रहा हूं भाई, ये टूटने वाला है, एक्सट्रीम रूल्स यहां पर दिखने वाला है हमें। अच्छा ब्रे वाइट आ रहा है, पक्का ब्रे वाइट आ रहा है। ये अंकल हाउडी का या फिर ब्रे वाइट का एंट्रेंस है? अरे जल्दी खोलो वरना मैं ही जाके खोल दूंगा। धुआं तो निकल रहा है भाई, धीरे धीरे अब किसी भी टाइम खुलने वाला है दरवाजा। भाई कल पनवेल भी जाना, दरवाजा जल्दी खोल दे। भाई कौन आ रहा है इसके अंदर से, ब्रे वाइट या अंकल हाउडी, ये किसका एंट्रेंस है अभी तक कोई? ब्रे वाइट होगा, एक्सट्रीम रूल्स में ऐसी रिटर्न आया था ब्रे वाइट, तो मुझे 100% लगता है कि ब्रे वाइट होगा। ब्रे वाइट भाई एंट्री मार लो यार, हो गया, एक और भी बंदा है, इसको भी आना है। अरे यार वीडियो भी बनाना है, क्या कर रहे हो तुम लोग यार। भाई अभी तक किसी ने भी एंट्री नहीं मारी है, भाई आज ही आओगे ना, कल आओगे? आएगा कि धक्का मारूं? आने वाला है गाइस। भाई कैमरामैन भी डर डर के आगे बढ़ रहा है कि इसके अंदर कोई है भी कि नहीं। ओ भाई ब्रे वाइट, ब्रे वाइट, हां ब्रे वाइट, ब्रे वाइट, ब्रे वाइट। तो भाई ब्रे वाइट आ चुके हैं एक्सट्रीम रूल्स में, ऐसी रिटर्न आए थे ब्रे वाइट, तो यहां भी ऐसी रिटर्न आ गए। तो मतलब दुखी आत्मा की तरह अपनी लालटेन लेकर के ब्रे वाइट ने एंट्रेंस मार दी। यार इतने अंधेरे वाला एंट्रेंस रखोगे तो लालटेन लाने की जरूरत पड़ी जाएगी। भाई इतना अंधेरे में क्यों आते हो, अंधेरे में आते हो कुछ खाया पिया है कि नहीं? बनाया बहुत तगड़ा है यार, इतना हंस के क्यों आ रहे हो भाई? मास्क का टेक्सचर वेक्सचर की डिटेलिंग तुम लोग देख रहे हो, कितना सही बनाया। तो ब्रे वाइट रिटर्न आ चुके हैं गेमर्स डॉट में, आप अपना मास्क भी उतार ही दो यार। भाई आज तुम लोग जीत जाना, आज तुम्हारी जो तिगड़ी कैरेक्टर है ना, ब्रे वाइट फिंड और अंकल हाउडी, प्लीज जी जान। तो भाई देखते हैं कि ब्रे वाइट अंकल हाउडी और द फिंड टीम खतरू को हरा पाती है या नहीं। अब मास्क उतारने का क्या लोगे भाई साहब? ब्रे वाइट ने डिसाइड कर लिया कि मैं दी अंडरटेकर का लंबा एंट्रेंस का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ूंगा। वैसे वो तोड़ दिया है। वैसे भी दी अंडरटेकर ने ब्रे वाइट को टॉर्च पास किया था, किसी को याद नहीं है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, रो में आके अंडरटेकर ने अपना टॉर्च पास किया था, पता नहीं कान में क्या बोला। भाई अंडरटेकर का रिकॉर्ड तूने तोड़ दिया है भाई, अंडरटेकर भाई साहब का एंट्रेंस इसके सामने बहुत छोटा लग रहा है, बहुत बड़ा कर दिया तूने। तो भाई ब्रे वाइट ने अपना एंट्रेंस ले लिया है, अब बारी है अंकल हाउडी की। अंकल हाउडी भी मुझे लगता है सेमी एंट्रेंस रहेगा। अच्छा वो जो लालटेन रहता था जिसमें फीड का की शक्ल बनी रहती थी, वो वाला नहीं आया लगता है, वो वाला मार्केट भाई इतना मत नचा भाई। लालटेन देख लिया भाई, देख लिया, बुझा दे, देख लिया बस, अब तो बुझा दे यार, बत्तियां बुझा दो कि नींद नहीं आती है, बुझा ही नहीं रहा है, क्या पता नहीं। हाओ फाइनली बुझा दिया। तो चलो भाई ब्रे वाइट का एंट्रेंस तो हो चुका है, अब बारी है अंकल हाउडी के एंट्रेंस की, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सेम टू सेम एंट्रेंस रहेगा अंकल हाउडी का भी। अंकल हाउडी अब आप भी आ जाओ, मेरे ख्याल फील्ड का तो नहीं, फील्ड का नहीं देखेंगे क्योंकि फील्ड का पुराना एंट्रेंस डाला होगा, फील्ड का देखने का कोई फायदा नहीं है, ये मेरे को लगता है फील्ड ही आ रहा है। अंकल हाउडी भी ऐसे इंटेंस मार चुके हैं, अंकल हाउडी आ रहे हैं भाई। अंकल हाउडी कितने शरीफ है, लेकिन टेढ़े होके क्यों आ रहे हो? आज के जमाने का मोगैम्बो है ये भाई, एक तो अंडरटेकर का एंट्रेंस चुरा रहा है, एक अंडरटेकर का जैकेट चुरा रहा है, मतलब ये क्या चल रहा है सीन भाई? टोपी किसका चुरा के आए हो भाई? अंकल हाउडी भी काफी जोश में आ चुके हैं, जिन्होंने ब्रे वाइट के ऊपर अटैक कर दिया था, कोई गारंटी नहीं है कि शायद इस टीम मैच में भी अंकल हाउडी अटैक कर दे ब्रे वाइट के ऊपर। भाई मास्क कितना सही बनाया है, लेकिन बहुत सही बना है। अंकल हाउडी आ चुके हैं, इनका कोई भी ट्विटर अकाउंट नहीं है, हैशटैग नहीं लिखा है इनका। तो भाई अंकल हाउडी काफी फुर्सत में आ रहे हैं, जल्दी आओ प्लीज,
अंकल हाउडी मतलब अंदर जाके मैच भी करना, आपको पता है ना, सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस नहीं है। सोचो इतना लंबा लंबा इंटरेस्ट लेके आया और एक स्पीयर या एक लंगी या एक कमूरा से नॉकआउट हो गया तो उससे मेरे को याद है अंकल हाउडी का ओवरऑल आई थिंक 82 या 83 है। हाँ तो ऐसा कुछ, ये इसका पहला ही शिकार होने वाला है, मैं समझ गया। आजा आजा भाई, तू आजा, पूरा टाइम ले ले। जिस हिसाब से लुक रख के आया है ना अंकल हाउडी, मेरे को लगता है उतनी ज्यादा देर तक टिकेंगे नहीं, पर गॉड नोस क्या हो सकता है। काफी जोश में आ गया यार, पूरा इंट्रेंस खा गया, आधा से ज्यादा वीडियो का टाइम खा गया दोनों मिलके। अंकल हाउडी भी जोश में, अब ये भी कुछ फूकेगा क्या, मास्क उतार रहा है क्या, रिवील कर रहा है क्या अपना मास्क। भाई टोपी उतार, अंडरटेकर स्टाइल में टोपी उतार, पर तू उतारेगा कैसे। चलो ठीक है, जैकेट से कितनी मोहब्बत है भाई, जैकेट चिपका के घूम रहा है। हो गया हो गया, ओ टोपी उतर गई, अपने डैंड्रफ वाले बाल सबको दिखाते हुए अंकल हाउडी। टोपी उतर गई यार अंकल हाउडी की। चलो अंकल हाउडी भी रेडी है, ब्रे वाइट भी रेडी है, और फिंड की एंट्रेंस हम लोग देखेंगे नहीं। फिंड की नहीं देखेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिंड की एंट्रेंस हम लोग देखेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। चलो फिंड की एंट्रेंस स्किप करेंगे, टाटा फिंड, सो सॉरी फिंड, सपने में आके डराना मत तुम। जॉन सिना आ रहे हैं, जॉन सिना कभी नहीं देखेंगे, इनका भी देख चुके यार काफी बार, काफी ज्यादा लेट हो गया, अभी मैच ही देखना है मैच। जॉन सिना नीचे क्यों खड़ा हुआ है भाई, सिना डर गए क्या, अंदर जाना है तुम्हें। जॉन सिना टीम ब्रे वाइट जॉइन कर चुका है क्या भाई साहब, एक बार कर चुका है भाई, दोबारा ना कर दे। जॉन सिना शुरुआत कर रहा है और उधर से ब्रे वाइट एलिमिनेट, पहली बार में एलिमिनेट, इट्स ब्रे वाइट वर्सेस जॉन सिना। मैंडिबल क्लॉ लगा दिया भाई, भाई स्टार्टिंग तो अच्छी हुई है, ब्रे वाइट द लीडर ऑफ टीम वाइट। ब्रॉक ले तो उधर क्यों चलेगा भाई, वहां कुछ नहीं है। लो ब्रे वाइट इसे भी पीट रहा है यार, ब्रॉक के अंदर छो, ब्रॉक ने नहीं बचाया, दो दो फिनिशर दे दिया है, नॉकआउट भी ऑन कर दिया, एलिमिनेशन भी ऑन कर दिया है, ये रिपीट हो रहा है। वन रोमन ने बचा लिया, रोमन आजकल काफी बावला। ओ अंकल हाउडी की 80 ओवर, अंकल हाउडी जैकेट उतारने के बाद कुछ मतलब दुबला पतला नहीं लग रहा है क्या, समझ के अपने साइज वाले से भिड़ो यार, 80 है उसका, 99 है। ओ दूसरा हाथ, दूसरा मैंडिबल क्लो, बैक टू बैक फिनिशर्स लगा दिया जॉन सीना को, जॉन सीना एलिमिनेट नहीं हुआ, नॉकआउट नहीं हुआ है जॉन सीना। ब्रॉक ने बचा लिया है, जॉन सीना की एनर्जी पूरी जा चुकी है यार, क्या हो रहा है। जॉन सीना एटलीस्ट अपना फिनिशर देते हुए जाना, ऐसे मत जाना प्लीज, मैं तो बता रहा हूँ एक दो को एलिमिनेट कर ही दो भाई। मतलब ब्रे वाइट के दो फिनिशर देख लिया हमने, दोनों मैंडिबल क्लॉ है, एक सबमिशन में और एक फिनिशर में। फाइनली जॉन सीना को होश आ चुका है और जॉन सीना ने बचा लिया, अब इस टाइम फॉर लंगी। अरे नहीं, ब्रे वाइट ने भी बचा लिया, और सिग्नेचर भी आने वाला है काफी जल्दी, ब्रे वाइट के पास सिग्नेचर आने वाला है। अब एक सिग्नेचर भी जॉन सीना को पड़ता है, जॉन सीना एलिमिनेट हो जाएगा। ओ क्लोज लाइन भी बचा लिया भाई, कितना रिवर्स कर रहा है ब्रे वाइट, लगता है ब्रे वाइट का टावर करके इसके स्ट्रेंथ चेक करना ही पड़ेगा। अंकल हाउडी आ चुके हैं मार्केट में, रोमन रेस को शायद टैग मत देने देना, टैग मत देने देना, रोमन रेस बहुत बावला हो गया आजकल। अरे दोनों एक दूसरे को फिनिशर लगा, इसको फिनिशर लगा, उसके बाद रुकेगा ये। रोमन रेस आजकल काफी बावला हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है कि एक स्पीयर से अंकल हाउडी टाटा बोल देंगे। अंकल हाउडी देखो, आपको अपना जलवा दिखाने का मौका भी नहीं मिलने वाला है, फिनिशर लगा तो नहीं, तो मैं बता रहा हूँ एक स्पीयर से आप टाटा बोल दोगे। यार ब्रे वाइट की टीम कुछ ज्यादा ही रिवर्स कर रही है, मैं देख रहा हूँ, अंकल हाउडी भी सिर्फ एक ही मूव खाए हैं अभी तक। रोमन इस टाइम फॉर स्पीयर, जॉन सीना की हेल्थ पर ब्रे वाइट बहुत ज्यादा लेके जा चुका है, लगता है गिलिटिन या स्पीयर लगने वाला है, नहीं लगा। रोमन रोमन आराम से खेल, पावर बम, प्यार से खेल रोमन, कोई जल्दी नहीं तेरे को, घर जाने जाना नहीं तेरे को आज प्लीज। जॉन सीना का इतना हेल्थ खत्म हो चुका है कि एक सिग्नेचर या फिनिशर भी चला जाएगा, रोमन टाइम पास क्यों कर रहा है, गिलिटिन या स्पीयर लगा ना, सीधा फिनिशर बचा। अंकल हाउडी या ब्रे वाइट से कुछ सीखो, उन्होंने आते के साथ जॉन सीना को दो फिनिशर लगा दिए बैक टू बैक। अरे याद जा रहा है, फिंड को नहीं, फिंड को नहीं दिया, हट यार, छी भाई। रोमन इतने सारे शॉट्स मार रहे हो, पता चला कि फिनिशर ही डायरेक्ट बचा लेगा। अरे ये रिवर्स भी नहीं कर रहा अंकल हाउडी, कितना कम ओवरऑल डाल के भेजा है टूके वालों। अब ब्रॉक लेसर आ चुका है, कमूरा तो, ओ भाई ब्रॉक के डर के मारे नीचे उतर गया अंकल हाउडी। नीचे जाके तू जनता के सामने क्यों झुक रहा है भाई, झुकना है ब्रॉक के सामने झुक, ब्रॉक माफ कर देगा। भाई अंकल हाउडी अंदर जाओ यार, फिंड तुम्हारे चक्कर में मार खा रहा है, क्या कर रहे हो। आगे अंकल हाउडी आ गया, ओ भाई साहब डायरेक्ट रिंग से बाहर, फिंड और मार खाएगा मैं बता रहा हूँ, फिंड को मार खाते देख अंकल हाउडी को गुस्सा आ चुका है। अब फिनिशर लगा, अब इसको फिनिशर लग रहा है, कब लगेगा पता नहीं पर लगेगा। टीम खतरों ने अभी तक एक भी फिनिशर नहीं दिया है, फिर लगता है रोमन रेस आने वाला है। ब्रे वाइट, ब्रे वाइट जो अच्छा खेल रहा है, जो अच्छा खेल रहा है, मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये देखना कितना अच्छा खेलेगा। ब्रे वाइट के पास सिग्नेचर है, सिग्नेचर दे सकता है और फिनिशर भी कभी भी आ सकता है। ब्रॉक फिंड को क्यों, ब्रॉक पड़ा हुआ है फिंड के पीछे, लगता है कि इसका ड्रीम मैच है। ब्रॉक कुछ ज्यादा जोश में नहीं है, सबको उठा उठा के सुप्लेक्स दिया जा रहा है।
भाई ब्रे वाइट अच्छा खेल रहा है, तीनों में सबसे ज्यादा अच्छा एटलीस्ट अंकल हाउडी से ज्यादा अच्छा ब्रे वाइट खेल रहा है। अभी तक टीम खतरू ने एक भी फिनिशर नहीं लगाया, फिर जाना बाहर यार क्यों टाइम पास कर रहा है। ओ लगा दिया ब्रे वाइट, हेलमेट हो जाता, हेलमेट तो नहीं करेगा अंकल हाउडी, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट रिवर्स। हां चलो सही, लेकिन ब्रॉक के पास अभी दो फिनिशर और है, एक और एफआई बचा लिया, बाहर मत फेंको, फिनिशर लगाओ, बाहर मत फेंको, डैमेज करो और फिनिशर लगाओ। अभी तक एक फिनिशर नॉकआउट वाला ग्लिच देखने के लिए मिला नहीं, दिखा दो एक बार। आई थिंक ये ग्लिच ब्रॉक लेसनर में दिखाएगा, कमूरा टाइम था यार, क्लोज दो फिनिशर है, ब्रे वाइट के पास दो फिनिशर है और ब्रे वाइट ऑलरेडी जॉन सीना को खत्म कर चुका है, यानी कि एनर्जी पूरी खत्म लेके जा चुका है। F5 टाइम, लेकिन F5 बच सकता है, जाना मत प्लीज, ब्रे वाइट जा सकता है, ब्रे वाइट बच गया, बच गया, स्ट्रॉन्ग बनाया ब्रे वाइट को, दो फिनिशर खतरों टीम का सरवाइव कर गया है। और ब्रॉक के पास अब कोई फिनिशर भी नहीं है, ब्रॉक जॉनसन को टैग दे दे, जॉनसन एलिमिनेट कर सकता है ब्रे वाइट को, ब्रे वाइट की एनर्जी जा चुकी है। वैसे ब्रॉक लेसनर की बॉडी ऑरेंज हो चुकी है, तो हो सकता है कि यहां पर कुछ देखने के लिए मिल जाए, एलिमिनेशन बचा ले भाई। अरे यार अब तो ये भी नहीं बचा, रोमन रेंस आने वाला है, जॉनसन आ चुका है, जॉनसन तू ही एलिमिनेट कर, तेरी एनर्जी खत्म कर दी थी इसने, एक टाइम बचाने तो। ओ भाई साहब तीसरा फिनिशर आ चुका है ब्रे वाइट के पास, अब मैंडिबल क्लॉ लगाओ, अभी टाइम में मैंडिबल क्लॉ का, और जॉन सीना सिर्फ एक सिग्नेचर का, अगर सिग्नेचर भी लगा तो जॉन सीना चला जाएगा। ओ अरे यार खतरू टीम का यही अच्छा नहीं लगता है मेरे को, पीछे से बाकी लोग छेड़ने लगते हैं, एक पंच और नहीं मारा, फील्ड की बस एनर्जी है, फिर तू ही आ जा, तू आ जा। जॉनसन इस टाइम मुंह पे हाथ मत भले ही तुझे रिवील द वाइट पैक में डाला नहीं है 2K वालों ने, पर ठीक है, कम्युनिटी क्रिएशन में तू अवेलेबल है, टेंशन नहीं लेना भाई। जॉनसन देने वाला है, ए ओ नहीं दिया, ए यार एक भी फिनिशर, और मुझे जॉनसन की हेल्थ इतनी कम हो चुकी है कि वो नॉर्मल स्लैम या नॉर्मल मूव में भी जा सकते हैं। एक फिनिशर लगा दे भाई, वाइट टीम क्या कर रहे हो तुम लोग, फिनिशर के लिए क्यों नहीं जा रहे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, किसी भी हालत में भाई जॉन सीना को अपनी बीवी के पास भी जाना है यार, जल्दी करो, बचा ले जॉन सीना, रिवर्स नहीं हुआ और चुमी दे करके फिनिशर लगा दिया, नॉकआउट नहीं हुआ, नॉकआउट नहीं हुआ, नॉकआउट कैसे नहीं हुआ, वन भी है या नहीं, वन भाई ये क्या सीन है, नॉकआउट कैसे नहीं हुआ जॉन सीना, लगता है नॉकआउट ऑन नहीं है क्या, चेक करना पड़ेगा, नॉकआउट ऑन है, चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं यार, नॉकआउट ऑन है, नॉकआउट ऑन है यार। ओ भाई जॉन सीना सरवाइव कर गया, अंकल हाउडी, ओ अंकल हाउडी गए, टाटा सी यू, बच गया अंकल हाउडी, बच गया, ये भी स्ट्रांग है लड़का यार, सफेद बालों पे मत जाना, धूप में सफेद किए इसने जॉन सीना, ओ डर्टी पिन, रिजल्ट जा सकता है जॉन सीना का, रोमन एक साथ चुका है बचाने के लिए, रोमन ने बचा लिया डट्टी पेन, फिंड रोमन एक को टारगेट कर रहा है, ब्रॉक लेसनर आ गया, ब्रॉक लेसनर की बॉडी ऑरेंज है, गया सुप्लेक्स सिटी, बचा ले, डबल रिवर्सल है भाई, ना रिवर्स कर रहा है अंकल हाउडी, ना ही फिनिशर लगा रहा है, पता नहीं मतलब क्या सोच अंकल हाउडी का, टाटा हो सकता है, बच गया यार, फिर बच गया, ये तो फिर बच गया अंकल हाउडी पर रेजन से, नहीं इतना जल्दी पिन तो नहीं होगा, वन टू किक आउट कर लिया अंकल हाउडी ने, और रेजिलेंस भी नहीं है इनके पास, सोने पे सुहागा है, इनके पास रेजिलेंस भी नहीं है, वाह अंकल हाउडी को एक फिनिशर तो बनता है, ब्रॉक ब्रॉक के पास एक फिनिशर है, रोमन अंकल हाउडी के पास हाँ दो फिनिशर है, जैसे मेरे को उम्मीद थी, दो की दो फिनिशर आराम से। ओ भाई साहब ब्रॉक तो जोश में, एक नहीं मुझे दो चाहिए शिकार करने के लिए, सुप्लेक्स सिटी भाई यहाँ पर सुप्लेक्स ने अपना सुप्लेक्स सिटी दिखाना चालू कर दिया, और आई थिंक खत्म भी होने वाला है, दोनों को मार रहा है यार, और भाई ब्रॉक लेसनर खुश हो गया कि अपु ने असली ब्रे वाइट, तारीफ सुन के ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा खुश हो रहा है, ब्रॉक एक एलिमिनेट भी कर दे, लगता है अंकल हाउडी टैग देने वाला है भाई, इनकी टीम से तो कोई नहीं जाने वाला है, जॉन सीना थोड़ा बहुत डैमेज भी है, भाई भी बचा लिया यार, फिनिशर नहीं, सिस्टर एबिगेल टाइम, अरे एलिमिनेट क्यों नहीं हुआ, 1 2 कॉन्फिडेंस था, और यहां तक की रेजिलेंस भी यूज नहीं हुआ है, अंकल हाउडी एक और फिनिशर, दूसरा फिनिशर नहीं, एलिमिनेट नहीं, अरे माँ कसम कोई एलिमिनेट क्यों नहीं हो रहा है, 1 रोमन ने भी बचा लिया, कोई एलिमिनेट क्यों नहीं हो रहा है, दो फिनिशर ब्रॉक, अरे माँ कसम, अरे भाई साहब अंकल हाउडी
को इतना जोश क्यों आ गया? क्या हो गया? का तीनों फिनिशर डिलीवर कर दिया अंकल हाउडी यार, निकम्मे। अब जॉनसन के पीछे आई थिंक ये फास्टेस्ट तीन फिनिशर का डिलीवर था, फास्टेस्ट तीन फिनिशर का डिलीवर भाई। जॉनसन आ चुका है, विद इन 4-5 सेकंड में तीन फिनिशर लगाया है। जॉनसन के पास कुछ नहीं है भाई यार, जॉनसन वहां क्यों देख रहे हो? अरे ब्रॉक छोड़ो उसको, लीगल नहीं हो तुम। फीड आ गया, अब गया लगता है, अब जॉनसन जाने वाला है। जॉनसन को एक फिनिशर पड़ जाएगा ना। वैसे मैं एक बात पे गौर कर, कुछ अपडेट आया क्या कि नॉकआउट करना मुश्किल कर दिया जॉनसन के पास? क्या है सिग्नेचर? बस जॉनसन के पास आने वाला है, आ चुका है सिग्नेचर। यू कैन सी मी फिन की एनर्जी तो काफी है यार, नहीं जाने वाला इतनी जल्दी। फिन देख, तेरे पास जो एक फिनिशर है ना उसको काम मिला, जॉनसन एलिमिनेट हो जाएगा। बचा लिया फिन ने, बचा लिया। ओ भाई दोनों ने एक एक पंच मारा, गुड। खतरों टीम का ना यही चीटिंग मेरे को सही नहीं लगता, नाइस टीम अच्छा नहीं लगता। रोमन के पीछे रोमन की फुल एनर्जी। अच्छा रोमन आने से पहले मार खा चुका है, एक सिस्टर एबिगेल खा चुका है अंकल हाउडी के हाथ से। जॉन कहां ठहर रहे हो यार, अंदर आओ, तुम्हारे चक्कर में रोमन मार खा रहा है। चलो अच्छा खासा रोमन मार खा गया, जॉन से पीटना मत, जॉन से पीट गया। चलो कोई नहीं कोई नहीं, फिंड की हेल्थ है अभी, अच्छी खासी हेल्थ है। गिरा दिया, सिग्नेचर है जॉनसन के पास, फिनिशर आ गया, फिनिशर भी आ चुका है। फिंड के भले ब्रे वाइट और अंकल हाउडी की थोड़ी कम हेल्थ है पर फिंड के पास है, एक दो ए तो सरवाइव कर ही जाएगा। फिर बचा लिया, अभी तक एक भी नॉकआउट देखने को नहीं मिला है। सिस्टर एबिगेल टाइम, मकड़ी टाइम, इट्स मकड़ी टाइम। अरे भाई बच गया, बच गया जॉनसन, बच गया जॉनसन। अटैक दे दे यार, जंप मारते जॉनसन, बहुत मार गया, जंप मारते भाई, मैं बोला था देखिए जंप मारते वहां से। जॉनसन अटैक देने के लिए जा रहा है और आई थिंक अब रोमन रेंस को टैग मिल चुका है। स्पीयर टाइम, स्पीयर, बच्चा मेरे भाई, स्पीयर लगा दिया है। रोमन तो वेट ही कर रहा था तब से, अंकल हाउडी फिर मार दिया। रोमन तब से वेट कर रहा था कि कोई रिंग के अंदर आए और मैं स्पीयर लगाऊं, तब से वेट कर रहा था ये। रोमन ने अंकल हाउडी को धो दिया है, गुड। मुंह पे अरे बच गया यार, फिन के वैसे बच गया। अंकल हाउडी यार लीगल नहीं, जाने दो उसको, वैसे भी कमजोर लग रहा है वो मेरे को। फिन फिनिशर लगा, एक फिनिशर में खत्म कर रोमन को। रोमन सुपरमैन पंच और गिलिटिन बाकी है, टैप आउट तुम करवा सकते हो। अरे नहीं, उठने भी नहीं दे रहा। ब्रे वाइट के पास क्या है? ब्रे वाइट के पास तीन फिनिशर और एक सिग्नेचर। ब्रे वाइट सबसे ज्यादा क्या लगा हो रहा है? मेरे को लगा यार टैग टीम फिनिशर लगा देते यार तुम लोग। ओ भाई मैंडिबल क्लॉ, इट्स मैंडिबल क्लॉ टाइम, रेजनेंस यूज कर ले रोमन। फिनिशर है ये इसका, 1-2। अरे ब्रॉक कितना स्पीड से आया भाई साहब, कितना स्पीड से आया ब्रॉक। एक और फिनिशर भाई, दूसरा फिनिशर रोमन ने बचा लिया भाई। जो गेम स्टार्ट को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा रोमन आजकल बावला हुआ है। ओ गिलिटिन टाइम, ब्रे वाइट एलिमिनेट कर दिया। अंकल हाउडी बदल ले, अंकल हाउडी बदल ले, रोमन बैक टू बैक स्पीयर लगाएगा। बच गया अंकल हाउडी, बच गया। फिनिशर नहीं अंकल हाउडी, कुछ भी बेचारे पास फिनिशर भी नहीं है, क्या बदला लेगा ये? सिग्नेचर आने वाला है, 2-3 मूव लगाएगा अंकल हाउडी के पास सिग्नेचर आ जाएगा। रोमन के पास तीन फिनिशर है, लगता है अंकल हाउडी भी जाने वाले हैं। 1-1 में किक आउट कर दिया हुआ, इतनी कम हेल्थ होने के बाद भी 1 में किक आउट कर दिया, लगता है जाने वाले अंकल हाउडी। रोमन गिलिटिन नहीं, गलत बात। चलो सिग्नेचर आ गया अंकल हाउडी के पास, पर एक मूव बचाना पड़ेगा। रोमन के पास तीन फिनिशर है, बैक टू बैक लगाया तो फिन को भी एलिमिनेट कर देगा, लगता है अंकल हाउडी भी एलिमिनेट। अब तेरे को ही बता मकड़ी क्यों बन रहा है, उधर से मार खाएगा गिलिटिन। ये हैट्रिक जा रहा है रोमन रेंस का। रोमन बावला, रोमन बावला हो गया, लीग के ले लो तुम लोग। हैट्रिक जाने वाला है रोमन रेंस का, फिन बचा ले। टैप आउट, रोमन को किसने खुला छोड़ा वहां पर? #hashtag बावला रोमन ओपी इन द चैट। यार रोमन को कौन खुला छोड़ा है? गेमर्स वॉर्ड में कुछ स्पेशल हुआ है क्या रोमन के साथ? भाई आजकल जो गेमर्स वॉर्ड को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि गेमर्स वॉर्ड में रोमन आजकल बावला हो गया है। भाई रोमन को मतलब कुछ घुस गया क्या इसके अंदर? रोमन को टावर करना पड़ेगा क्या एक लेजेंडरी? तो अगर आप लोग रोमन का टावर चाहते हो तो कम से कम 100 कमेंट तो कर दो। देखते हैं रोमन का टावर करके, देखते हैं कि रोमन टावर को क्रॉस कर पाता है कि नहीं, सोलो टावर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और कैसा लगा तुम लोगों को अंकल हाउडी और ब्रे वाइट का टेक्सचर और ग्राफिक्स वो बता देना कमेंट में। तो चलो थैंक यू, गुड बाय, सी यू, टाटा एंड डोंट ट्राई दिस एट होम। खतरों टीम बहुत मारती है, खासकर रोमन।